अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शी और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने तमाम अज्जा यहाँ पे ले लिए हैं। आप नोट कर लें जल्दी से। सबसे पहले मैंने जो है मैक्रोनी 400 ग्राम्स लिए हैं, और जो है मैक्रोनी को मैं जो है बॉईल कर लूँगी हद पे ज़रूरत नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल के, और ये 300 ग्राम्स मैंने चिकन लिए हैं, 1 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट और अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑयल 1/2 कप, नमक हद पे ज़रूरत ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर हद पे ज़रूरत ऐड करेंगे, और ये 1 अनियन, छोटा सा वाइट अनियंस मैंने ले लिया है, और ये मैंने कैप्सिकॉर्न शिमला मिर्च लिया है 1/2 कप, और ये जो है गाजर है, कैरेट्स, ये भी मैंने 1/2 कप ले लिया है, और ये इसके बाद जो है इस तरह बारीक से काट लेना है, लंबे लंबे से बारीक, और ये मैंने ग्रीन ऑनियंस लिए हैं, हरी प्याज, और ये भी 1/2 कप मैंने तकरीबन लिया है, और इसी तरह क्वान्टिटी में आप लेना है, चिली सॉस लिया है और सोया सॉस दोनों मैंने लिया है, इस ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। अब चलते हैं हम बनाने की तरफ। ये हमारा जो है पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो है ऑयल सबसे पहले डाल देंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी डालेंगे, बाद में डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। चलें अब हम जो है हमारा ऑयल भी जो है गर्म हो गया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसे जो है तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे इस तरह से भूनेंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद जो है हम इसमें जो है चिकन ऐड कर लेंगे, जो 300 ग्राम्स जो हमने लिए थे, ये जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे, और अच्छी तरह से हमें जो है सना है चिकन को मैंने छोड़ चुको चुको से छोटे छोटे से पीसेस में काट लिए थे। ओके, हम इसे जो है 2 मिनट्स तक भूनेंगे, 2 मिनट्स के बाद जो है ये देखिए 2 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से बना चुका है। अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे नमक हसबी ज़रूरत, आप अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट जो है डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक, ऐसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे अच्छे से। चलें जो है अब हम इसमें जो है ब्लैक पेपर वो डाल देते हैं, काली मिर्च, हसबे अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मिक्स कर दें, अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट डालें, अगर थोड़ा सा स्पाइस चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, कोई मसला नहीं है। अब जो है हमने जो एक छोटा सा वाइट अनियंस काट के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है हमें, अच्छे तरह मिक्स कर लें, अच्छे से हमें मिक्स करना है, और अब इसमें जो है हमने जो कैप्सिकॉर्न शिमला मिर्च और कैरेट गाजर जो काट के रखे थे वो हम इसमें शामिल करेंगे, और ग्रीन ऑनियंस हम इसमें नहीं अभी डालेंगे, वो हम एंड में डालेंगे, सिर्फ अभी हम गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे, और इसे जो है चिकन के साथ फ्राई करेंगे अच्छे से जो है नॉर्मल आंच पे जो है हमें फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये जो है देखिए कलर्स आना शुरू हो गया है, ज़बरदस्त बहुत अच्छा फ्राई हुआ है। अब हम इसमें टमाटर जो पेस्ट रखा था 1 टेबल स्पून वो हम इसमें जो है ऐड कर रहे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद जो है मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ, और उसे मैं बॉईल करके उसमें डाल रही हूँ, ये देख लें वक्त ज़ाया ना हो इसलिए मैं पहले से बॉईल कर लिया था। चलें इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, ये देखें ज़बरदस्त चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर दें, इसी तरह मिक्स करते रहें आप अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है, देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो है चिली सॉस, इसमें कम से कम 3 टेबल स्पून हम चिली सॉस शामिल करेंगे, और 3 टेबल स्पून हम सोया सॉस वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, और फिर से मिक्स करना है अच्छे से, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी आ गया है,
ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार हो रहा है। ये ब्लैक पेपर ऊपर से ये डालेंगे टेस्ट के लिए, हद पे ज़रूरत आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें अब जो है हम इसमें जो है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है, चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस इसमें हम डाल देंगे और इसे भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली गार्लिक सॉस आप कोई से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो हमने सबसे ग्रीन अनियंस रखा था ये सबसे एंड में हम डालेंगे ग्रीन अनियंस, और इसके बाद जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट्स के बाद ये हमारा जो है तैयार हो जाएगा चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। बस 5 मिनट्स, अब इसे जो है हल्की आंच पे जो है हम इसे पका लेंगे। इसका लुक देखिए बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए हमारा जो चिकन मैक्रोनी है वो तैयार हो गया है। ये देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए जो है कितना ज़बरदस्त लुक आया है, अब देख लें। चलिए हम इसे जल्दी से जो है डिश आउट भी कर लेते हैं। ये मैंने डिश आउट कर लिया है चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, ज़बरदस्त होते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा जो चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी है कैसा लगा। आपके कमेंट्स के लिए मैं मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी होस्ट अर्शी को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।